नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग सीरीज के में जेवलियन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट के फाइनल में 88.44 मीटर का थ्रो किया है। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने यह कीर्तिमान अपने नाम करने के लिए चेक रिपब्लिक के जाकूब वेडलेक और जर्मनी के जूलियन वेवर को पीछे छोड़ा है। नीरज के इस जीत के साथ ही दुनिया की हर बड़ी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने का सेट भी पूरा हो गया है। नीरज शाह ने साल 2021 में ओलंपिक का गोल्ड, एशियन गेम्स 2018 और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड और इसी साल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है।